स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूँ दीपिका नयार। सारा अली खान ने पिछले साल अभिषेक कपूर की फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म में वो सुशांत सिंह राजपूत के अपोजिट थी। दर्शकों को उनकी एक्टिंग काफी ज्यादा पसंद आई। इसके बाद सारा की सिम्बा रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपर ड्यूपर हिट साबित हुई। इंडस्ट्री में सारा की कामयाबी को लेकर सैफ अली खान काफी ज्यादा खुश हैं और उन्हें बेटी के काम पर काफी ज्यादा गर्व है। एक इंटरव्यू में सैफ अली खान ने कहा कि उन्हें शुरू से ही सारा पर गर्व था। उनकी माँ अमृता सिंह ने जिस तरीके से सारा को परवरिश दी है, इसे लेकर वो काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से सारा का ही अचीवमेंट है। एक पिता के तौर पर मैंने बहुत प्राउड फील किया जब उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और 2 साल में ही अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब मैं उन्हें घर पर स्टाफ के साथ बातचीत करते हुए देखता हूँ। वो सभी के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करती है। इसका पूरा क्रेडिट उनकी माँ अमृता सिंह को जाता है। सारा इंटेलिजेंट है और लोगों से अच्छे से बात करती है। सैफ ने आगे कहा कि जब मैंने केदारनाथ में सारा का परफॉर्मेंस देखा तो मैं काफी इम्प्रेस हुआ। मैंने देखा कि वो क्राफ्ट को समझती है। ये वो चीजें हैं जिसके बारे में कोई नहीं बताता। अगर आप फेक हैं तो ये सब स्क्रीन पर दिख जाता है। सारा को फिल्म की स्टोरी पसंद आई और उन्होंने पूरे दिल से इसको निभाया। वर्क फ्रंट की बात करें तो सिम्बा और केदारनाथ के बाद चर्चा इस बात की है कि सारा कुली नंबर 1 की रिमेक में दिखाई देगी और इस फिल्म को उन्होंने साइन भी कर लिया है और इस फिल्म में वो वरुण धवन के अपोजिट नजर आएगी। बहरहाल सैफ अली खान ने अमृता सिंह के साथ साथ सारा की भी तारीफ की है। अमृता सिंह के बारे में कहा है कि उन्होंने सारा को अच्छी परवरिश दी है। जाहिर तौर पर सैफ अली खान अमृता सिंह के बारे में बेहद कम बोलते हैं, लेकिन आज सैफ अली खान खुलकर बोले हैं और अपनी एक्स पत्नी की तारीफ की है। देखना होगा इस पर करीना कपूर का क्या रिएक्शन रहता है। खैर हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।